नहीं देखा होगा श्री राम का इतना बड़ा चमत्कार, हजार साल पहले का रहस्य निकला। कृष्णा नदी में मिली राम लल्ला की हूबहू मूर्ति, 1000 साल पुराना शिवलिंग भी मौजूद। सबसे बड़ा चमत्कार देखकर सन्न रह गए लोग। हजारों साल पुरानी मूर्ति में अयोध्या के राम लल्ला की छवि। पुल बनाते वक्त कृष्णा नदी को चीर कर निकले राम लल्ला। 1000 साल पुरानी इस मूर्ति का है चौंकाने वाला राज। यकीन करिए, यह खबर देखकर आप भी भगवान की शक्ति पर भरोसा कर लेंगे। जो लोग सनातन पर सवाल उठाते हैं, उनको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। आज इस खबर को इतना शेयर करिए कि पूरी दुनिया को सनातन की ताकत और प्राचीन होने पर भरोसा हो जाए। 1000 साल पुराना राम लल्ला कृष्णा नदी पर सीना चीर कर बाहर आई थी। इस मूर्ति को देखकर आपको भी लगेगा कि ये मूर्ति तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम लल्ला की प्रतिमा अयोध्या धाम में स्थापित की गई है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसी ही मूर्ति कैसे बनाई गई और ऐसा क्या हुआ था जो यह मूर्ति अब तक लापता थी। इधर जैसे ही राम लल्ला अपने दरबार में विराजमान हुए, हर जगह से सनातन की ताकत बाहर आना शुरू हो गई। अगले 2 मिनट में वह छत काम दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी शायद भरोसा ना हो, लेकिन यह सच है। तेलंगाना कर्नाटक के पास कृष्णा नदी के किनारे सदियों पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति और एक शिवलिंग को बरामद किया गया है। यह मूर्ति कर्नाटक के रायचूर में एक पुल निर्माण के दौरान बाहर आई है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्तियां 11वीं या 12वीं सदी की हो सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित राम जैसी है। 10 अवतार प्रतिमा के चारों तरफ एक आभा मंडल है जिसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों को घेरा गया है। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम लल्ला की मूर्ति में कलाकारी की गई है, फिलहाल भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एसआई ने अपने कब्जे में लिया है। मूर्ति और शिवलिंग का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि दोनों ही करीब 1000 साल पुराने हैं। लेकिन ये मूर्ति और शिवलिंग अब तक गायब क्यों थे, इसको भी लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। ऐसा माना जा रहा है इस्लामी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस मूर्तियों को वहाँ दफन कर दिया गया होगा, जिस वजह से ये अभी तक नदी में दबी हुई थी। लेकिन पुल बनाते वक्त अचानक ये मूर्तियाँ शक्ति नगरी के पास कृष्णा नदी से बाहर आ गई। वहाँ काम कर रही टीम ने उन्हें सुरक्षित निकाला और तुरंत स्थानीय प्रशासनीय को इसके बारे में बताया। जांच करने वाले पुरातत्व अभिवेदों का कहना है कि यह मूर्तियाँ 11वीं या 12वीं शताब्दी ईस्वी की है। प्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार 10 अवतार को दर्शाने वाली आभास के साथ खड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति 11वीं सदी की कल्याण चालुस की वंश की मानी जाती है। इस मूर्तियों को तलाशने के लिए इस्तेमाल की गई हरि मिश्र चट्टान कार्यों के समय से उनकी उत्पत्ति का संकेत देती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन कलाकृतियों को अंतर धार्मिक युद्धों के दौरान विरोधियों से बचाने के लिए जानबूझकर नदी में डुबोया गया होगा। रायचूर विश्वविद्यालय ने प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विख्याता पद्मसा देसाई ने कहा कि भगवान विष्णु की मूर्ति किसी मंदिर के गर्भगृह की शोभा बढ़ाती होगी। मंदिर के संभावित विनाश के समय उसे नदी में गिरा दिया गया होगा। कृष्णा बेसिन में पाई गई मूर्ति अद्वितीय विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। भगवान विष्णु की 10 अवतार मूर्ति मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिम्हा, राम, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि सहित भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाने वाले एक छाप से गिरा हुआ है। प्रोफेसर ने भी मान लिया कि यह प्रतिमा राम लल्ला जैसी ही है। प्रतिमा के 4 हाथ है जिसमें 2 ऊपर उठे हाथ में शंख और चक्र है। नीचे किए गए हुए 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। इससे पता चलता है कि यह प्रभु विष्णु की प्रतिमा है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्रण नहीं है। इस मूर्ति को देखकर हर कोई हैरान है और इसे प्रभु राम का ही चमत्कार माना जा रहा है। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।